नगर निगम शिमला चुनावों को लेकर नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नगर निगम का चुनाव सत्तासीन कांग्रेस और विपक्षी दल बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। इसी के साथ शहमात का खेल शुरू हो चुका है और एक दूसरे को पटखनी देने को लेकर हर चाल चली जा रही है, जिसको लेकर अब कांग्रेस ने सारा ध्यान चुनाव प्रचार में लगा दिया है, ताकि भाजपा से शुरुआत में ही प्रचार प्रसार कर बढ़त बनाकर रखी जाए। नगर निगम शिमला के चुनावों में जहां सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रचार करते हुए नजर आएंगे, वहीं प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी शिमला की गलियों में कांग्रेस को जीत दिलवाने की अपील करती हुई देखी जाएंगी। प्रदेश कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव के लिए 5 मंत्री, 6 सीपीएस और 22 विधायकों को पहले ही प्रचार के लिए चुनावी मैदान में उतार दिया है। इसके अलावा सीपीएस और विधायक भी शहर में चुनावी प्रचार करेंगे। शहर में कर्मचारियों, कारोबारियों व अन्य वर्गों का समर्थन हासिल करने के लिए पार्टी वार्डों में रैलियां करने के साथ साथ व्यक्तिगत संपर्क भी पार्टी के नेता व कार्यकर्ता कायम करेंगे। पार्टी की टीमें डोर टू डोर कैंपेन के लिए तैनात की जा रही हैं। नगर निगम चुनाव के लिए अब राजनीतिक पार्टियां सोशल मीडिया का सहारा ले रही हैं। ऐसे में कांग्रेस भी पीछे नहीं रहेगी। कांग्रेस की मीडिया और सोशल मीडिया कमेटी सोशल मीडिया प्रचार पर भी नजर रखेगी। विपक्ष के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा भी पार्टी लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।